हे दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बीएससी के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कितना कट ऑफ गया है और बीएससी जनरल के सेकंड लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, बीएससी एरोनॉटिक्स में थर्ड लिस्ट में किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑनर्स में फोर्थ लिस्ट में किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और लास्ट में बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड लिस्ट में किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहूंगा कि बीएससी जनरल में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उस 100 मार्क्स में कितना लास्ट कट ऑफ गया है सेकंड लिस्ट में, और बीएससी एरोनॉटिक्स जो है उसमें 120 नंबर का एग्जाम होता है, उस 120 नंबर में कितने नंबर गए हैं कट ऑफ। और तीसरा जो कोर्स है बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑनर्स, इसका 100 नंबर का एग्जाम होता है, यानी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इस 100 नंबर में कितना आप नंबर लाएंगे, इस कट ऑफ जो लिस्ट है, चौथा जो लिस्ट है, इसमें लास्ट कट ऑफ कितना गया है। और लास्ट जो कोर्स है इस वीडियो का, बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड लिस्ट कट ऑफ, यानी बीएससी मैथमेटिक्स भी 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें तीसरी थर्ड लिस्ट में कितना कट ऑफ गया है और किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही एक लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हे दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये है सेकंड लिस्ट बीएससी का, यानी बीएससी जनरल का सेकंड लिस्ट है और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में, उनका एडमिशन होगा 7 अगस्त को, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक। उनको जाना पड़ेगा द डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के पास, वहाँ पर जाके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक के आसपास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स को जमा करके उसके बाद आपको एक फीस रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को ले जाके बैंक में पैसा जमा करना होगा। जमा करके फिर से वो रिसिप्ट बैंक में जो एक टुकड़ा देगा आपको, वो टुकड़े लेके फिर नेचुरल साइंस में जाएंगे और आप ऑफिस में जमा करेंगे, तब आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा। और दोस्तों, तीसरी लिस्ट आने की उम्मीद है 11 अगस्त तक, यानी ये था सेकेंड लिस्ट और तीसरी लिस्ट बीएससी जनरल का आएगी 11 अगस्त तक। ये था इम्पोर्टेंट बात। हम आगे बढ़ते हैं कि कट ऑफ कितना गया है सेकेंड लिस्ट में। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है। इसमें जनरल का जो कट ऑफ गया है 31.25, यानी 100 में 31 मार्क्स जिन्होंने लाया है, 31.25 उसके ऊपर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और मुस्लिम कैटेगरी में गया है 28.75, और मुस्लिम ओबीसी में गया है 27, और मुस्लिम वीमेन में, मतलब मुस्लिम लड़कियों में गया है 28, और जामिया इंटरनल कैटेगरी का भी गया 28.25। और पीडब्ल्यूजी, यानी जो भी दिव्यांग जन है, हैंडीकेप है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनका जो कट ऑफ है 2.50। और जेके जो कैटेगरी है, यानी जम्मू कश्मीर के जो कैटेगरी है, उसमें गया 16.25। ये था दोस्तों बीएससी के सेकेंड लिस्ट के कट ऑफ। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। इस लिस्ट में जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे में जाता हूँ तो देखते हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी में 1 से लेके 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम कैंडिडेट में 1 से लेके 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है मुस्लिम कैटेगरी में। इस रिज़ल्ट को देखने के लिए आप, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अपना रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं, या मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ये बीएससी का रिज़ल्ट का जो लिंक है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये पीडीएफ खुल जाएगा, उसमें आप रोल नंबर आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देख सकते हैं अपना रिज़ल्ट। बीएससी जो मुस्लिम कैटेगरी है वो अपना चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ओर। नेक्स्ट कैटेगरी है मुस्लिम ओबीसी, इसमें 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और आगे बढ़ते हैं मुस्लिम वीमेन कैटेगरी में 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, और जामिया इंटरनल कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का, और पीडब्ल्यूडी का 1 कैटेगरी का, और जेके कैंडिडेट का, जम्मू कश्मीर कैटेगरी का 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, आगे देखिए बीएससी एरोनॉटिक्स का रिजल्ट। दोस्तों, ये है बीएससी एरोनॉटिक्स का रिजल्ट। बीएससी एरोनॉटिक्स में 2 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल एंड एवियोनिक्स।
इसका जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद सेकेंड लिस्ट आई थी, उसके बाद ये थर्ड लिस्ट है। थर्ड लिस्ट का जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनका जो एडमिशन होगा वो 7, 8, और 9 अगस्त को होगा। द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाके उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको जाना होगा द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक उनका एडमिशन प्रोसीजर होगा। उनको ले जाने पड़ेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स को सही से पढ़ के जाएँ, 1 से लेके 14 तक का लिस्ट है, उस लिस्ट में सारे फुलफिल करके जाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बीएससी एरोनॉटिक्स का तीसरा लिस्ट तो आ गया है और चौथा लिस्ट भी आएगी। चौथा लिस्ट आएगी वो आएगी 11 अगस्त के आसपास। जो कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ वो वेट करें 11 अगस्त तक का, यानी 11 अगस्त के आसपास चौथी लिस्ट आएगी बीएससी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का। दोस्तों अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। बीएससी एरोनॉटिक्स का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, ये जो बीएससी एरोनॉटिक्स का एग्जाम होता है दोस्तों ये 120 नंबर का होता है। ये 32.00 है, यानी 120 में 32 मार्क्स कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। मुस्लिम कैटेगरी का गया है 31.5, यानी 31.5। मुस्लिम वेमेन का जो कट ऑफ गया है 20.5। दोस्तों ये थे मैकेनिकल के, यानी बीएससी एरोनॉटिक्स में दो ब्रांच है, मैकेनिकल एंड एवेन्यूक्स। तो ये था मैकेनिकल का कट ऑफ। अब आगे देखते हैं एवेन्यूक्स का। एवियोनिक्स होता है एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला के ये ब्रांच होता है, मतलब इसमें एविएशन से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है। इसका जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट का वो है 32.5, मुस्लिम कैटेगरी का है 32.25, यानी 32.25, और मुस्लिम वेमेन का जो कट ऑफ गया है इसमें गया है 20.5। अब हम देखते हैं रिजल्ट किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ में रिजल्ट चाहिए तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और बीएससी एरोनॉटिक्स लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये रिजल्ट खुल के आएगा और उसको सेव कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है मोबाइल में। आप देख सकते हैं सीरियल वाइज है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप अपने रोल नंबर से रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऊपर था जनरल कैटेगरी का, अब नीचे देखिए मुस्लिम कैटेगरी के दो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मैकेनिकल का ही ये कैटेगरी है, मैकेनिकल में मुस्लिम वेमेन का हुआ है 1 से 3 कैंडिडेट का। और नेक्स्ट जो है एविएशन एवियोनिक्स है, एवियोनिक्स में जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ये आप रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एवियोनिक्स में ही सिलेक्टेड कैटेगरी है मुस्लिम कैटेगरी है, जिसमें एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और एवियोनिक्स है इसमें एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ब्रांच चेंज भी हुआ है, कितने कैंडिडेट्स मैकेनिकल से एवेन्यूक्स में जाना चाहते हैं, जैसे एक कैंडिडेट है मुस्लिम वेमेन कैंडिडेट है, लड़की है, उनका अपग्रेड हुआ है मैकेनिकल से एवेन्यूक्स में। दोस्तों अगले इसी वीडियो कंटिन्यू कीजिए, उसमें आप देखिएगा बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के फोर्थ लिस्ट और उनके कट ऑफ। उसके बाद मैं बताऊंगा बीएससी मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के थर्ड लिस्ट। दोस्तों ये रिजल्ट है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का, ये है चौथा लिस्ट। और इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका एडमिशन होगा 7 अगस्त को, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक। इनको जाना होगा एडमिशन लेने के लिए द डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के पास। द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के पास जाना होगा और इनको ले जाना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा और लेके सारे डॉक्यूमेंट्स जाइएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बात है कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका लिस्ट आएगा 11 अगस्त के आसपास, मतलब पांचवा लिस्ट कह लीजिए या स्पॉट एडमिशन का लिस्ट कह लीजिए, वो आएगी 11 अगस्त को। 11 अगस्त तक का इंतज़ार कीजिए अगले लिस्ट का। और दोस्तों इसमें मैं आप डिस्कस करता हूँ कट ऑफ का। जो केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है इनमें जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का वो गया है 38.25, मुस्लिम कैटेगरी गया है 36.50,
दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का जो एग्ज़ाम का मार्क्स होता है वो 100 होता है। ये 100 में 40% भी लोग लाते हैं, कैंडिडेट्स लाते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है जामिया में। मुस्लिम ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 35.75 यानी 35.75 मार्क, और मुस्लिम वीमेन का गया है 35.25, जामिया इंटरनल कैटेगरी का गया है 36.00, जम्मू कश्मीर कैटेगरी का गया है 35.75। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स के कट ऑफ की तरफ। फिजिक्स में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 38.00, मुस्लिम कैटेगरी का गया है 36.50, मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी का गया है 36.25 और मुस्लिम वीमेन का गया है 35.25। अब देखते हैं हम रिजल्ट। दोस्तों ये है बीएससी केमिस्ट्री का जनरल कैंडिडेट का। आप रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में। और दूसरा आप कैटेगरी है मुस्लिम वीमेन का, सॉरी मुस्लिम का, और ये जो मुस्लिम में है 1 से लेकर 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री में। और बीएससी केमिस्ट्री का जो दूसरा कैटेगरी है मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी का, इसमें 2 कैंडिडेट का कंफर्मेशन हुआ है। और लास्ट जो कैटेगरी है केमिस्ट्री का मुस्लिम वीमेन का जो कैटेगरी है इसमें 1 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। केमिस्ट्री में ही जामिया इंटरनल कैटेगरी है इसमें 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कन्फर्मेशन हुआ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में जनरल कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 11 तक यानी 11 कैंडिडेट का इस वेटिंग लिस्ट में कन्फर्मेशन हुआ है। इस जो 4th लिस्ट है इसमें कन्फर्मेशन हुआ है। फिजिक्स के ही मुस्लिम कैटेगरी है इसमें 1 से लेकर 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और फिजिक्स ऑनर्स में ही मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मुस्लिम वीमेन कैटेगरी में फिजिक्स ऑनर्स में एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम वीमेन में जो ब्रांच अपडेट हुए हैं ब्रांच चेंज हुए हैं आप देख सकते हैं। फिजिक्स से इन्होंने केमिस्ट्री में अपग्रेड करवाया है 1 मुस्लिम वीमेन ने। दोस्तों केमिस्ट्री में एक अपडेट हुआ है मुस्लिम कैंडिडेट में, केमिस्ट्री 2 फिजिक्स में अपडेट हुआ है, इन्होंने अपग्रेड किया है केमिस्ट्री से फिजिक्स में। कोई केमिस्ट्री से फिजिक्स में करवा रहा है, कोई फिजिक्स से केमिस्ट्री में करवा रहा है। ये था दोस्तों बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब आगे देखिए बीएससी मैथमेटिक्स के 3rd लिस्ट। बीएससी मैथमेटिक्स में बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का 3rd लिस्ट रिजल्ट आया है, यानी 3rd लिस्ट आ गया है, 4th लिस्ट भी आएगी। दोस्तों इसमें जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका एडमिशन होगा 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक। और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। वो जाएंगे द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, यानी डीन साहब के ऑफिस के पास जाना पड़ेगा फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में। वहाँ पे जाके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। और बीएससी मैथमेटिक्स का 3rd लिस्ट ये है, और 4th लिस्ट भी आएगी। 4th लिस्ट का जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दिया है वो दिया है 11 अगस्त को, यानी 11 अगस्त के आसपास बीएससी मैथमेटिक्स का भी लिस्ट आएगी। और दोस्तों हम बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का ये कट ऑफ है। बीएससी मैथमेटिक्स बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होता है इसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। इस 100 मार्क्स में 31.75 गया है ये 3rd लिस्ट के कट ऑफ, और मुस्लिम कैटेगरी में गया है 30.00, और मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी में गया है 27.75, और जामिया इंटरनल कैटेगरी में गया है 21.75। अब दोस्तों नेक्स्ट कट ऑफ देखते हैं बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें कट ऑफ गया है जनरल कैंडिडेट का 31.00, मुस्लिम कैटेगरी का गया है 28.50, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी का गया है 27.25, मुस्लिम वीमेन का गया है 24.00, और जामिया इंटरनल कैटेगरी का गया है 21.75। अब आगे बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट में आप देख सकते हैं
आप इस वीडियो में देख सकते हैं अपना रिजल्ट, या ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, उसमें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। या मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने में आप अपने रोल नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं अपना रिजल्ट। ये है मैथमेटिक्स का जनरल कैटेगरी का, और ये है मैथमेटिक्स मुस्लिम कैटेगरी में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जनरल कैंडिडेट का से 6 कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम कैटेगरी में एक कैंडिडेट का मैथमेटिक्स में सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम ओबीसी में एक कैंडिडेट का कन्फर्मेशन हुआ है, और जामिया इंटरनल कैटेगरी का एक कैंडिडेट का मैथमेटिक्स में कन्फर्मेशन हुआ है। अब बढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जनरल कैटेगरी के 1 से लेकर 12 तक का ये रिजल्ट है, आप अपना रिजल्ट रोल नंबर से चेक कर सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 8 तक का रिजल्ट है, ये है मुस्लिम कैटेगरी में, और मुस्लिम ओबीसी में अप्लाइड मैथमेटिक्स में 3 कैंडिडेट का कन्फर्मेशन हुआ है, और मुस्लिम वीमेन में 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, और जामिया इंटरनल कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और लास्ट जो है मुस्लिम कैटेगरी में ब्रांच अपडेट हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स ओनली में 1 कैंडिडेट का ब्रांच चेंज हुआ है। दोस्तों ये थे बीएससी के रिजल्ट्स, बीएससी जनरल, बीएससी एरोनॉटिक्स एंड बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक बटन को प्रेस करके हमें मोटिवेट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले लिस्ट में, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जामिया एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।